हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैडनिंग स्टडी में। आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से भिन्न के घटाव को बनाते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम लोग भिन्न के जोड़ को कैसे बनाते हैं, और आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न के घटाव को। यहाँ पर मैंने दो तरह के भिन्न लिए हैं। एक तो दोस्तों यहाँ पर एक भिन्न ये हो गया और एक भिन्न ये वाला हो गया, यानी कि दो भिन्न हो गया। लेकिन नीचे में मैंने तीन भिन्न लिए हैं। एक तो दोस्तों ये हो गया, एक दो और ये तीन, यहाँ पर मैंने तीन भिन्नों को लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग दो प्रकार के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि हम लोग भिन्न के घटाव को किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले भिन्न के जो प्रश्न होते हैं, भिन्न के घटाव या जोड़ जो भी हो, इसके प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि 2/2 को माइनस करना है 1/4 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक लाइन खींच दूंगा जिस तरीके से हम लोग भिन्न के जोड़ में खींचा करते थे। नीचे वाले दो अंक को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर चलिए मैं निकाल लेता हूँ एक दूसरे पेपर में। 2 और 4 का एलसीएम निकालने को कहा गया ना, तो चलिए यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये एक बार में चला जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से अगर करूँगा 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। ये तो ये कैसा ही रह जाएगा और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 2 और 2 2 दूना 4, यानी कि 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। मैंने लिख दिया 4। अब हमको करना क्या है कि इस वाले 2 को, ठीक है, इस वाले 2 को इस वाले 4 में भाग लगाना है। तो 2 के पारा में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा ना, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 बार में। तो इस वाले 2 को हमको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। 2 बार में भाग लग रहा ना, इसलिए 2 से गुना किया। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब ये माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन दे देता हूँ। अब देखना है कि 4 का पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, एक बार में आता है। तो इस वाले 1 को 1 से गुना कर दूंगा, तो 1 एकम दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 4 में से अगर 1 को घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे में कितना था, 4 था। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग भिन्न के घटाव को बना सकते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नीचे में 7 और ये 7, यानी कि हम लोगों को 7 7 का एलसीएम लेना होगा। तो 7 7 का एलसीएम कितना होगा, चेक करें आप। तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ 7 और ये 7। ये तो ऐसा एक प्राइम नंबर है जो कि खुद से ही कटेगा, 7 है तो 7 से ही वन टाइम में ये जाएगा। यहाँ पर जो मेरा एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 के पहाड़े में 7 कितने बार में आता है, एक बार में। तीस वाले 3 में 1 से गुणा कर दूंगा, तो ये 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 1 3। ये माइनस है तो माइनस दे दूंगा ये वाला। और उसके बाद 7 के पारा में 7 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो 1 को भी 1 से गुणा कर दूंगा, तो ये 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 1 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से अगर 1 घटाऊंगा तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे में ये कितना था, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर यहाँ पर बनकर है तैयार। अब चलिए यहाँ पर फिर से तीसरे क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और आप भी साथ ही साथ मेरे साथ आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसको बनाते चलें। तो 2 2 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, कभी भी एलसीएम निकालते हैं अगर एक ही अगर संख्या रहता है तो एलसीएम वही आता है। तो 2 2 का एलसीएम भी यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, एक बार में। तो 9 को क्या करूँगा, 1 से गुणा कर दूंगा, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। माइनस का निशान है यहाँ पर, दे दूंगा माइनस का निशान। उसके बाद 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, एक बार में आता है ना, तो 8 को 1 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8। और ये कितना हो गया दोस्तों, 9 में से अगर मैं 8 को घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। नीचे में कितना था, 2 था, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ लेकर आपको। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 2 का एलसीएम नीचे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, एक बार में आता है। तो दोस्तों मैं 8 को 1 से गुणा कर दूंगा, तो 8 एकम हो जाएगा ये 8। अब फिर माइनस दूंगा यहाँ पर, 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आएगा बताएं मुझे आप, एक बार में आएगा। तो 3 में 1 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बताएं मुझे आप, 5। और नीचे में कितना था, 2 था। तो इस तरीके से 5/2 हमारा हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार यहाँ पर 6 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, तो 6 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। आप इसे अपने कॉपी में करके देख सकते हैं। तो 6 के पारे में 6 कितने बार में आता है, एक बार में। तो 5 में 1 से गुणा कर दूंगा, फिर 6 के पारे में 6 कितने बार में आएगा, एक बार में। तो 1 को 1 से, तो ये 5 एकम 5 माइनस 1 को 1 से करूंगा, तो ये 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा। तो कितना, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। नीचे में ये 6 था, 6 लिख दिया मैंने। अब इसको चलिए भाग देते हैं 2 से, 2 2 न 4 2 3 6, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 2/3 हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, 4 और ये 4 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
चार ही होगा। चार के पारा में चार कितनी बार में आता है? एक बार में। दो को एक से गुना कर दो, दो एक कम दो, ये माइनस का निशान है, दे दिया मैंने। चार के पारा में चार कितनी बार में आएगा? एक बार में। इस वाले चार को गुना कर देता हूँ तो ये देखिए कितना हो जाएगा, चार एकम चार, तो ये कितना हो गया, टू माइनस फोर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बताएं दो में से चार घटता है क्या? नहीं घटता है, इसलिए माइनस में चला जाएगा, माइनस टू बाई फोर। इसको अगर भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा कि आखिर ये माइनस वाला कैसे हो गया, तो इस पर भी मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा। अगर आपको आज ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब जानते हैं तीन अंकों वाले भिन्न के। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, आठ बट्टा दो माइनस छः बट्टा दो माइनस चार बट्टा दो। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से एक निशान इस तरीके से खींचूंगा और उसके बाद दो दो और दो का एलसीएम निकालूंगा, तो दो 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 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो दो के पहाड़े में दो कितने बार में आता है, एक बार में। तो आठ को एक गुना कर दूंगा, आठ एकम आठ, माइनस का निशान है, दे दूंगा। दो के पारा में दो फिर से कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो छः को एक से गुना करूंगा, छः एकम छः हो जाएगा। फिर इस वाले माइनस को यहाँ पर लिख दिया मैंने, दो के पारे में दो कितने बार में आता है, एक बार में। फिर चार से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, चार एकम चार। अब मुझे करना क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ये भी चार जो है ये भी माइनस में है, ये भी छः माइनस में है, सिर्फ ये वाला जो है ये प्लस में है। तो चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं आठ को यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे में, ये आठ हो गया ठीक है। और उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि छः चार यहाँ पर जुड़ के कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा अंक कौन सा है, छः या फिर चार, तो छः है, छः माइनस में है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस दे दिया और नीचे में ये दो हो जाएगा ठीक है। दो हो जाने के बाद आठ में से दस जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये माइनस टू बाई टू हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा कितना, माइनस वन, ये हमारा हो गया आंसर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ। यहाँ पर तीन दो और चार का एलसीएम मुझे निकालना है, तो आइए निकालता हूँ एलसीएम। यहाँ पर कितना कितने का एलसीएम चाहिए मुझे, तीन दो और चार, इतने का एलसीएम मुझे निकालना है। तो आइए निकालते हैं, दो से इसमें भाग लगाता हूँ सबसे पहले, तो तीन तो भाग लगेगा नहीं, इसको ऐसे ही उतार देता हूँ। दो के पहाड़े में दो कितने बार में आता है, एक बार में। दो के पहाड़े में चार कितने बार में आता है, दो बार में। फिर इसमें दो से भाग लगाऊंगा, तीन ऐसा ही रह जाएगा, एक ऐसा ही रह जाएगा, दो के पहाड़े में भाग लगेगा सिर्फ एक बार में। अब चलिए तीन को तीन से भाग लगाता हूँ, तीन के पहाड़े में तीन कितने बार में आता है, एक बार में, और ये सारा एक ऐसा ही रह जाएगा। अब चलिए इसको गुणा करता हूँ, दो दूना चार, चार तिया बारह, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो कितना हो गया, यहाँ पर एलसीएम हमें मिल जाएगा बारह। तो तीन के पहाड़ा में बारह कितने बार में आता है, चार बार में। तो इस वाले बारह को हम लोग चार से गुणा कर देंगे, बारह चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, अड़तालीस हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लें इसे। और माइनस का निशान देंगे, फिर दो के पहाड़ा में बारह कितने बार में आता है, छः बार में। तो छः को सात से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बयालीस। फिर ये माइनस देंगे, चार के पहाड़ा में बारह कितने बार में आता है, तीन बार में। तीन बार में आता है तो आठ को तीन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा चौबीस ठीक है। यहाँ पर नीचे में बारह है, अब चलिए यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसे, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, सिर्फ ये प्लस में है। तो यहाँ पर मैं 48 को लिख देता हूँ सिर्फ, और 42 और 24 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो भाई जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर चार दो हो जाएगा छः, और ये भी चार दो हो जाएगा छः, यानी कि 24 और 42 को जोड़ने के बाद 66 हो जाएगा। लेकिन बड़ा अंक यहाँ पर माइनस में है 42, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, और नीचे में ये हो जाएगा 12 ठीक है। तो ये 48 माइनस 66 बराबर कितना हो जाएगा, 48 में से तो 66 घटेगा नहीं, तो चूँकि ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि ये इस क्रम में लिखा ही हुआ है। तो चलिए यहाँ पर घटाते हैं, कितना हो जाएगा आप मुझे बताएं आंसर, आंसर हो जाएगा 18 बाई 12। अब चलिए इसको काट देता हूँ, ये 9 बार में कटेगा, ये 6 बार में। चलिए अब 3 से इसको काट देता हूँ, तो ये 3 3 9 और 3 2 6, यानी कि दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा 3 बाई 2। लेकिन आंसर जो 3 बाई 2 होगा वो कितना होगा, माइनस में होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपके लिए दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 8/2 माइनस 1/2 माइनस 2/4। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और मैं जो आपको बताया हूँ यहाँ पर कि हम लोग किस तरीके से भिन्न के घटाव को बना सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें अभी, और मुझे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।